आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिल व्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर। गर्मियों के मौसम की बात हो और तरबूज का जिक्र ना हो तो ऐसा भला कैसे हो सकता है, क्योंकि इसे खाने का भी अपना अलग ही मजा होता है। तरबूज आपने कई बार खाया ही होगा, लेकिन जो बाजार में मिलता है वो अंदर से लाल होता है। तो अब आपको बताते हैं एक अलग तरह का तरबूज, जो मध्य प्रदेश के बैतूल में एक विशेष तरह का तरबूज खाने को मिलेगा, जो बाहर से तो हरा है लेकिन काटने पर अंदर से पीले रंग का है और इसका स्वाद भी थोड़ा पाइनएप्पल के फ्लेवर का है। ये कमाल किया है बैतूल के किसान श्याम पवार ने, जिन्होंने अपने खेत में विशेष तरह के तरबूज उगाए हैं, जो कि तरबूज की अन्य किस्मों से काफ़ी अलग हैं। पहली किस्म लाल और ज़्यादा मिठास से भरी हुई है और दूसरी पीली और पाइनएप्पल के स्वाद की मिठास से भरी हुई है, जिसको खाने के बाद शायद आप इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। किसान श्याम पवार के मुताबिक उनका खेत मंडई बुजुर्ग में है, जहां उन्होंने तरबूज लगाया है। उसकी किस्म का नाम आरोही है, जिसमें अलग अलग वैरायटी उपलब्ध है, जिनमें पाइनएप्पल स्वाद वाला तरबूज विशेष है और इसका स्वाद भी लाजवाब है। वैसे श्याम ने अपने खेत में और भी वैरायटी के तरबूज उगाए हैं, जिनमें आरोही के साथ सरस्वती भी हैं। सरस्वती अंदर से लाल होता है। पीले तरबूज को कम जगह में लगाया था, लेकिन जब लोगों को पता चला तो इसकी डिमांड बढ़ गई है और देखने भी बहुत लोग आ रहे हैं। फिलहाल येलो वाटरमेलन की डिमांड के हिसाब से पूर्ति नहीं हो पा रही है। अगर तरबूज की बात करें या जैसे आजकल बोलने लग गए वाटरमेलन, तो दिमाग में वही अंदर से फल लाल ऊपर से काला या हरा। पहली बार यानी बैतूल में चर्चा थी कि भाई के अंदर से पाइनएप्पल जैसा कलर और पाइनएप्पल जैसा फ्लेवर वाला तरबूज बैतूल के पास किसान ने लगाया है, तो लॉकडाउन के कारण फुर्सत भी थी तो मित्रों के साथ भाई चलो देख के आएंगे, परिवार के लिए लेके आएंगे, तो यहाँ आए हुए थे तो किसान द्वारा बढ़िया उसका स्वाद भी कराया, खेत भी दिखाया उन्होंने। एक नई चीज़ अगर कहा जाए, यानी अपने से ज़्यादा अपन तो खैर बड़े हो गए, बच्चों को देख के एक नई चीज़ कि भाई ये पाइनएप्पल जैसा फ्लेवर और पीला अंदर से दिखने में एक नया फल बैतूल की जनता को उपलब्ध कराया है, शानदार। डिमांड ज़्यादा है, डिमांड भी है पर अब उन्होंने थोड़े से कम लगाए हैं, इसलिए पूर्ति में ये कह लो कि फिलहाल तो अब स्वाद जैसी स्थिति रह गई कि आए हो तो स्वाद तो ले ही लो और एक आध फल ले जाओ। भैया मेरा नाम रामदयाल पवार है और मैं ग्राम मंडी खुर्द का किसान हूँ। तो चूंकि खेती में बहुत सारी फसलें होती है, लेकिन हमने कुछ ऐसी चुनिंदा फसल जैसे तरबूज जैसे फसल चुनी है और उसको ये चाहा कि इसमें स्वाद पैदा करने के लिए रासायनिक खेती ना करके इसको जैविक के रूप में लाएं और इस पे जैविक खाद्य और मतलब माइक्रो न्यूट्रेंट्स वगैरह दे के और इसमें क्वालिटी पैदा कर रहे हैं, और इसके साथ ही हमारे बच्चे को भी बेटा को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि कुछ आगे बढ़ें और कुछ नया करें। कुछ नया किया? बिल्कुल। क्या नया? नया ये किया कि जो मार्केट में या किसानों के पास हमेशा उपलब्ध जो फसलें होती थी तो उससे कुछ हट के वैरायटी लाए, जिसमें वैरायटी के रूप में पीला तरबूज लाया है
तो उसमें देखने को मिला है कि कुछ स्वाद अलग है पाइनएप्पल जैसा, और कलर भी अच्छा है उसका, जो पब्लिक बहुत अच्छा पसंद कर रही है उसको। हाँ सर, ये प्रयोग तो नहीं कहेंगे इसको, एक तरह से वैरायटीज पहले से अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ नया करने के चक्कर में हम लोगों के मतलब हमेशा कुछ नया सोचते हैं, तो उस तरह से पिछले साल हमने तरबूज लगाए थे, तो इस बार कुछ डिफरेंट वैरायटीज और कलर के हिसाब से सोचे, तो हमने ये पाइनएप्पल येलो कलर में आरोही किस्म है ये लगाई हुई है, और एक सरस्वती वैरायटी है जो ऊपर से ग्रीन होती है वो लगाई है, तो इस तरह लगाया हुआ है। ये जो येलो है जी, इसकी क्या आकर्षण है और कितनी डिमांड? आकर्षण तो कलर की वजह से है, और कुछ परसेंट में कह सकते हैं उसका पाइनएप्पल जैसा टेस्ट हो सकता है, तो इस तरह से लोगों का अट्रैक्शन उसकी तरफ बहुत ज़्यादा है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। पूर्ति कर पा रहे हैं? पूर्ति तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसकी जितनी डिमांड है उसके एवज में मतलब अपने पास उतनी अवेलेबल नहीं है, उपलब्धता नहीं है, तो उतनी सप्लाई तो नहीं दे पा रहे, लेकिन जिन जिन लोगों तक जा पा रहा है वो खाकर उससे संतुष्ट है, और मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। सागर टीवी न्यूज़ के लिए बैतूल से महेश चंदेल की रिपोर्ट। चालीसा हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश, 7.83 एकड़ में आवासीय प्लाट चालीसा हिलव्यू, सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी में सभी साइजों में आवासीय प्लाट उपलब्ध है, पूर्णतः वैध कॉलोनी, संपूर्ण रूप से कवर्ड कैंपस, गार्ड रूफ पार्क, 24 घंटे सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, चौड़ी सीसी रोड, प्राकृतिक सुंदर पहाड़ों के बीच स्थित कॉलोनी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, वाटर सप्लाई ओवरहेड टैंक द्वारा, सिवर लाइन हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सुंदर स्ट्रीट लाइट, राष्ट्रीयकृत बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है, तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर।